लड़की रही तो एक जन के शादी की है तो राजा की है शादी पे, और दूसरे को शादी तो राजे समझ के की है, लेकिन अब किस्मत आदमी को धोखा देंगे तो सब कुछ खत्म होकर होंगे। लेकिन वो अपन धर्म कर्म नाग पूजा पाठ सब कुछ छोड़ी ना है, अपन जैसे रह तैसे करत रही। तो एक दिन बहुत ज्यादा परेशान, मतलब जब क्यों ना ना घर में तो आदमी परेशान ना, क्यों कमाए वाला क्यों धमाए वाला सारा सब कुछ, तो माँ से कहीं कहीं माँ राजा की लड़की भैंस थोड़ो रानी होत है, और राजा घरे मारो से रानी ना होत, हम तो अपन दुख तो देखते यही सारा प्रजा सब कुछ छोड़ दे हैं, राजपाट सब छोड़ के चला गया, राजा चला गया तो प्रजा भी छोड़ दी है, रानी की के मानत बा, सब धीरे धीरे खत्म हो ला। कहें कि बनावटी रानी बन के बनावटी रूप से रहा उनका पसंद ना आए, माँ हमका अपने शरण में लिया, हमसे कुछ हो ही नहीं सका। कहें कि ठीक बात, मतलब भगवान को प्रार्थना में उनका सुनाई पड़ा कि ठीक बात, वो अपन जैसे करा तो हूँ तैसे अपन करा, लेकिन तुम्हारा तो राजा तो का वापस मिल जाएंगे। कहें कैसे मिल जाएंगे जब सब कुछ खत्म हो गया, भाई संदेशा आ गया, अब भाई लास्ट तो उनका नाम मिले कि फोटो दोस्तों के साथ सारा, जब सब सारा संदेश आ गया सब कुछ खत्म हो गया, टेंशन टेंशन सब हमका बात भाई, लेकिन हम खुश ना रहिए, हम केवल अपन राजा ही चाहते हैं, और कुछ हमका पता ना चल हुआ। तो कह ठीक बा, तो का पता ना तो का पता चले तो अपन अपने घर कर्म को छोड़ा जाए, अच्छा पूजा पाठ की, पूजा पाठ माँ के घर पूजा पाठ करके मंदिर कोनो त्योहार होता है, जैसे कोनो भी पूजा होता है, तो एक दिन जैसे माँ का बृहस्पतिवार के दिन है, ऐसे बृहस्पतिवार के दिन माँ का पूजा करके एक लोटा जल देवी ने जब कही मंदिर में, तो होता है कि सब विसर्जन के समय आदमी जल लेके जाते हैं, विसर्जन के समय जब वहाँ जाते हैं तो देखा था कि सामने से उनका मन से दू मतलब सब आदमी के साथ में और बीच में उठा मैं डोली में बैठाई हूँ गाड़ी में लेके उनका मन से दू सब ऐसे आता है, और रास्ता वास्ता पूछा था सब पूछा था, और उनका इतना कुछ मतलब हम जैसे चोट से कोई लागे चला भी मतलब कुछ बता ना पाते हैं, पेड़ के नीचे देखा था ही तो देखा था ही सब आवत बा, तो वही उनका होता है आदमी भ्रमित हो जाता, भ्रमित हुई को देखा था ना आँख एकदम भ्रमित होत बा, लेकिन तब वो देखा था कहा था कि जो बैठा भाई तो हमने राजा ही इस बा, लेकिन के याद वो जो कहा तो उनका सबको रुकवा देते हैं रुका, तो राजेश उनसे पूछा था ये तो हर क्यों क्यों, वो कहा था ये हमारा राजा हो, रानी कहा था हमारा राजा वही पेड़ के नीचे हमारा राजा हो, लेकिन वो राजा से जब पूछा जाता तो ये मारते कहे ठीक बा, लेकिन उनका सबका कहे तुम्हारा भरोसा करा तुम मेरे घर में मंदिर में माँ के पास चला एक बार, वहाँ राजा तुम्हारे खड़ा कह जाए, अगर राजा नहीं कर देंगे तो तुम जहाँ मनो तहाँ लेके जा, देकर मनो देखने लगे लेके जा हम क्यों तो उनका सहारा बाना या अच्छा प्रजा क्यों साथ देना क्यों पूछे पाछे कुछ ना जे बताए थे मेरा हमारे माँ बताइए माँ के पास तू लेके चला, जब माँ के पास ले गई ना अपन पूजा पाठ स्थापना जैसे जैसे बना था अपन कराता है, जैसे ले जाए वहाँ प्रणाम करवाते हैं जैसे राजा के नींद खुल जाता है मतलब अवस्था ठीक हो जाता है प्रणाम करे के साथ, जैसे जब उठा थे सीधे उनके बाँह पकड़ लेते कहा थे तू मतलब कहा थे कि हम इतना दिन से मतलब जिंदा रहते हुए भी मौत के समान हम रहे, मतलब ना तो अपने घर बार पता हुआ ना संसार पता हुआ ना कुछ बा, 12-15 साल वो अपन बुरा दिन देखे हैं, तो सारा राजपाट माँ के दया से उनका वापस आएगा, जब माँ के दया से राज वापस आएगा तो बड़ी बहन जो रानी रही उन्हों अपन संबंध उनके साथ बने रही उन्हों आवे जाए लगे वो सारा अपन, लेकिन विपद में सब साथ छोड़ दिए, लेकिन साथ के दिन माँ का जैसे माँ उनका साथ दिन ऐसे सब सुहागिन का माँ साथ दे सबके सब कुछ हम करेंगे।